बंदे पुरुषोत्तम, आज मैं चर्चा करूंगा सात्वती के एक लेख की जो श्री सुशील चंद्र बसु जी ने लिखी है, और वो सत्यानुसरण के ऊपर है कि सत्यानुसरण ही एक मात्र ऐसी पुस्तक है जिसे श्री श्री ठाकुर जी ने अपने हाथों से लिखा है, और जितने भी पुस्तकें हैं चाहे वो अंग्रेजी में हो या बंगला में, वे सभी उनके द्वारा डिक्टेट की गई हैं। तो आज हम लोग जानेंगे कि ठाकुर के सत्यानुसरण के बारे में, उनकी भाववाणी के बारे में, उनके अंग्रेजी बोलने के बारे में, और उनको ठाकुर कैसे बोला गया इसके बारे में, जो इस प्रकार है। साक्यदा ने जब श्री श्री ठाकुर से सत्यानुसरण का प्रकाशन करने की बात कही तो श्री श्री ठाकुर ने तुरंत कहा, जा, और भी कुछ लिखना चाहता था, मैंने यह सोच रखा था कि कुछ और लिखूंगा, पर आपने जब प्रकाशन की बात कही तो मैं अब नहीं लिख सकूंगा। साक्यदा ने कहा, प्रकाशन की बात सुनते ही आप और नहीं लिख सकेंगे, क्यों? तो क्या ऐसी बातें कर मैंने अन्याय किया? श्री ठाकुर ने उनकी बातों का कोई जवाब नहीं दिया, बल्कि श्री ठाकुर ने आत्मगोपन करना चाहा, अपने को किसी तरह भी जनसाधारण के सामने प्रकट करना नहीं चाहते थे। जब उन्हें प्रथम ठाकुर कहकर संबोधन किया गया तो उन्होंने उसका घोर विरोध किया। अंत में जब सभी उन्हें ठाकुर कहने लगे तो उन्होंने दिल में ऐसा सोचा कि रसोइयाँ को भी तो लोग ठाकुर कहा करते हैं, यदि ये मुझे ठाकुर ही कहना चाहते हैं तो हर्ज क्या है। बाद में उन्होंने अपने दिल के ये भाव हम लोगों के सामने प्रकट किए। सत्यानुसरण के मुद्रण के बाद उसकी एक कापी उमर खय्याम के प्रथम खंड के अनुवादक सुकवि श्रीकांति घोष के हाथ में आई। शायद श्रद्धेय वीरुदा वीरेंद्रनाथ राय ने ही उन्हें वह कॉपी दी थी। उन्होंने पढ़ने के बाद कहा, हर शब्द हीरा का एक एक टुकड़ा है, जिनके मस्तिष्क से ऐसी बातें निकलती हैं वह निश्चय ही एक असाधारण व्यक्ति हैं। सत्यानुसरण पढ़ने के बाद ही वह श्री श्री ठाकुर की शरण में आए, और बहुत दिनों तक आश्रम में रहकर उन्होंने साधन भजन किया। सत्यानुसरण में उन्होंने वस्तुतः जो कुछ लिखा है बाद में उसे विस्तृत रूप से ग्रंथों में व्याख्या भी की है। सत्यानुसरण ही एकमात्र ऐसी पुस्तक है जिसे श्री श्री ठाकुर अपने हाथों से लिखे हैं, और जितनी भी पुस्तकें हैं चाहे वह अंग्रेजी में हो या बंगला में, वे सभी उनके द्वारा डिक्टेट किया गया है। यह सत्यानुसरण बाद में पुस्तक के रूप में प्रकाशित किया गया, एवं साथ ही साथ 15 दिनों की भाववाणी भाष्य और विवृति सहित प्रकाशित हुई। श्री ठाकुर की समाधि की अवस्था में प्रथमतः जब वाणी निर्गत हुई तो लोगों ने उस पर ऐसा कोई ध्यान नहीं दिया। हिमायतपुर निकटवर्ती नाजिरपुर निवासी जज कोर्ट के वकील स्वर्गीय वृंदावन चंद्र अधिकारी एक दिन एकाएक श्री ठाकुर की समाधि अवस्था में आ पहुँचे, एवं उनकी समाधि अवस्था की वाणी सुनकर मुग्ध हुए। तो उन्होंने श्री ठाकुर के साथ रहने वालों को बुलवाया और कहा, ये जो उच्चांग की भाववाणी है तुम लोग क्यों नहीं लिखते? इनकी कितनी कीमत है बाद में समझोगे। उनके सुझाव के अनुसार भाववाणी लिखी गई। एक ही साथ 2-3 व्यक्ति लिखा करते थे, क्योंकि उनकी भाववाणी इतनी तेज से निर्गत होती कि किसी भी व्यक्ति के लिए अकेला नोट करना संभव नहीं था। नोट करने के बाद सभी लोग लिखी हुई बातें मिला लिया करते थे। भाववाणी को जिससे अच्छी तरह लोग समझ सकें, इसके लिए वृंदावन बाबू वकील ने उसका भाष्य लिखा, और कृष्णचंद्र दास ने विवृति के नाम से उसकी एक विशद व्याख्या लिखी। प्रथम यह भाष्य और विवृति युक्त 15 दिनों की समाधि अवस्था की वाणी मुद्रित और प्रकाशित हुई। उसी ग्रंथ का ही नाम है पुण्य पुथी या भाववाणी। जब भी श्री ठाकुर कुश्तिया जाया करते थे या अश्विनी कुमार विश्वास स्वयं आश्रम आते थे तो बीच बीच में बहुधा वह उनसे प्रश्न पूछा करते थे। जब भी श्री ठाकुर उनके प्रश्नों का उत्तर देते थे तो वह उन्हें उसी क्षण नोट कर लिया करते थे और बाद में श्री ठाकुर को सुना दिया करते थे। इतना ही नहीं, बल्कि उन्होंने उनकी बातों को शुद्ध रूप से नोट किया है या नहीं यह पूछ लिया करते थे। श्री ठाकुर की अनुमति मिल जाने के बाद उनके दिल में कोई हिचक नहीं रहती थी। मैंने कभी कभी देखा है अश्विनी दा के प्रश्नों के उत्तर धारा प्रवाह रूप से श्री ठाकुर देते जा रहे हैं। जब अश्विनी दा नोट कर नहीं पाते थे
या उन्हें दिक्कतें महसूस होती थीं तो वह सिसी ठाकुर से साफ साफ कहा करते थे, ठाकुर एक ही साथ इतनी बातें कहेंगे तो मेरा मस्तिष्क उसे नहीं पकड़ सकेगा। आपने जो कुछ कहा है उसे मैं प्रथम लिख लेता हूं और बाद में सुना दूंगा, तो उसके बाद और आपकी बातें सुनूंगा। इस प्रकार एक विषय लिखने के बाद अश्विनी दास सिसी ठाकुर को पढ़कर सुना दिया करते थे, तो उसके बाद वह निःसंशय होते थे। इसके बाद अमीय वाणी प्रथम खंड प्रकाशित हुई। शाक्यदा ने उसके प्रथम संस्करण में एक भूमिका लिखी। उसमें उन्होंने सिसी ठाकुर की जीवन कहानी जिस प्रकार सुंदर रूप से प्रस्तुत की है वह वास्तव में अपूर्व है। बाद में अमीय वाणी का द्वितीय खंड सत्संग छिरोदा स्मृति प्रेस से प्रकाशित हुआ। जब द्वितीय खंड का मुद्रण प्रायः शेष हो रहा था तो न जाने किस कारण से श्रद्धेय केष्टोदा ने द्वितीय खंड के द्वितीय और तृतीयांश की भाषा और रचना को परिवर्तन कर पुनः उसे मुद्रित किया। अमीवाणी द्वितीय खंड के पुनर्मुद्रण के विषय में मैंने जो लिखा है वह कहाँ तक सत्य है उसके साक्षी अध्यापक पंचानन सरकार MA हैं, वह भी इसकी जानकारी रखते हैं। एक दिन बातचीत के सिलसिले में श्रद्धेय केष्टोदा यानी कृष्ण प्रसन्न भट्टाचार्य ने सिसी ठाकुर से कहा, हमने आपसे जो कुछ भी प्रश्न किया है और उसका उत्तर आपने जो बंगला भाषा में दिया है उसका अनुवाद यदि अंग्रेजी में किया जाए तो उसका मौलिक भाव ओरिजिनल स्प्रिट सही रूप से प्रस्फुटित नहीं होगा, यदि अंग्रेजी में कुछ वाणी दें तो अच्छा होगा। उनकी बातें सुनने के बाद सिसी ठाकुर ने कहा, आप लोग इतने दिनों से मेरा संग करते आए हैं, क्या आपने मुझे एक वाक्य भी अंग्रेजी बोलते देखा है या मुझसे कभी सुना है? भाषा का ज्ञान नहीं रहने पर दिल के भाव किस रूप में प्रकाशित किए जा सकते हैं? केष्टोदा ने कहा, यदि आप चाहें तो आपके द्वारा ऐसा संभव हो सकता है। इसके उत्तर में उन्होंने कहा, नहीं ऐसा संभव नहीं। इसके बावजूद भी केष्टोदा ने अपना हठ नहीं छोड़ा। उन्होंने पुनः कहा, आप यदि चाहें तो हमें अंग्रेजी में डिक्टेशन दे सकते हैं। बाद में केष्टोदा ने मुझसे कहा कि यह मैं स्वयं नहीं समझ सका कि सिसी ठाकुर के बार बार प्रतिवाद करने के बावजूद भी मैंने अपना हठ क्यों नहीं छोड़ा। चाहे जो भी हो, इस घटना के कुछ दिनों के बाद एक दिन सिसी ठाकुर ने केष्टोदा को बुलवाया और साथ में कागज पेंसिल भी लेते आने का आदेश दिया और अंग्रेजी में धारा प्रवाह रूप में यह कहते रहे कि सृष्टि किस प्रकार अव्यक्त से व्यक्त हुई, यही उनका विषय था। उन्होंने कहा, द बूमिंग कमोशन ऑफ एग्जिस्टेंस दैट रोल्स इन द बॉजम ऑफ द बियॉन्ड इत्यादि। इस प्रकार लगातार कितने दिनों तक अंग्रेजी में बोलते रहे। उनके प्रथम अंग्रेजी डिक्टेशन द मैसेज के नाम से पुस्तकाकार में प्रकाशित हुआ। इसी मैसेज की पांडुलिपि लेकर मैं श्रद्धेय केष्टोदा के साथ कलकत्ता विश्वविद्यालय के उपकुलपति और स्कॉटिश चर्च कॉलेज के प्रिंसिपल दार्शनिक अध्यापक आरकुहट साहब के यहाँ गया। उन्होंने पांडुलिपि देखकर कहा, मैं तो सिसी ठाकुर के निकट गया हूँ, मैं यह अच्छी तरह जानता हूँ कि वह अंग्रेजी नहीं जानते, किंतु उनके मुँह से अंग्रेजी भाषा में जितनी बातें निकली हैं उनके कतिपय वर्ड ऐसे ऑर्किक सेंस में व्यवहार किए गए हैं कि जब तक कोई परफेक्ट मास्टर ऑफ द इंग्लिश टंग नहीं होता है तब तक उसके लिए ऐसा संभव नहीं है। इट इज़ समथिंग लाइक ए रिवेलेशन टू मी। सिसी ठाकुर जी के मैसेज का डिक्टेशन शेष होने पर मैंने एक दिन सिसी ठाकुर से पूछा, ठाकुर आप तो अंग्रेजी नहीं जानते हैं फिर भी आपने ऐसी सुंदर अंग्रेजी कैसे डिक्टेट कराई? उन्होंने उत्तर दिया, आप लोगों ने अनुरोध किया और मैं सोचने लगा। जब मैं इस भाव में विभोर था उस समय मेरे मस्तिष्क में जल की मछलियों के झुंड की तरह अंग्रेजी भाषा में भाव तैरने लगे। मैंने सभी को पकड़ पकड़ कर आप लोगों के सामने रखा। यदि उनके अर्थ आप पूछे तो मैं उसका जवाब नहीं दे सकूंगा। मैंने उस समय उनसे कहा, चाहे जो भी हो, आप अंग्रेजी नहीं जानते हुए भी जब अंग्रेजी में इतना सुंदर डिक्टेशन दे सकते हैं तो क्या आप जर्मन भाषा में नहीं दे सकते? उन्होंने कहा, यह संभव है पर उसके लिए इम्पैट्स की आवश्यकता है। मैंने कहा, इम्पैट्स से क्या आप मीन करते हैं या आप क्या हमें समझाना चाहते हैं? उन्होंने उत्तर देते हुए कहा, उदाहरणार्थ यदि कोई जर्मन भाषा का जानकार मेरे समीप लगातार रहे और बीच बीच में जर्मन लैंग्वेज में दो एक बातें करे तो मुझे जर्मन भाषा में डिक्टेशन देने में सुफिशियंट इम्पैट्स मिलेगा।
मैंने कहा, क्या आप कहते हैं ठाकुर? हमने बचपन में अंग्रेजी भाषा में लिखना पढ़ना आरंभ किया, फिर भी अंग्रेजी लिखने या बोलने के समय खूब कष्ट उठाना पड़ता है, और आप कहते हैं किसी भी विदेशी भाषा का दो या चार सेंटेंस सुनने पर उसी भाषा में विशुद्ध रूप में बातें कर सकते हैं। ऐसा तो हम सोच भी नहीं सकते। यह किस प्रकार कार्य रूप में मूर्त हो सकता है, यह हम लोगों की चिंता के बाहर है। उन्होंने मेरी बातों का सीधा उत्तर न देकर कहा, नहीं, ऐसा सभी को होता है। ऐसा कहकर उन्होंने मेरे प्रश्न को टाल दिया। सातवती, मार्च 2024 के पेज संख्या 29, 30 और 31 से। जय गुरु।